So guys, welcome to Daily Football Madness. और ने हरा दिया है को अनस्टॉपेबल राइट नाउ भाई क्रेजी कैटिक मैच यार मतलब भाई इतने बॉल्स ऑफ स्टील जो मैं वर्ड यूज करता हूं हांसी फ्लिक के लिए भाई देखिए भाई उसको फर्क नहीं पड़ रहा इंजरीज हो रही हैं जरार मार्टिन तुम आज खेलोगे आज बाल्डे को रेस्ट मिलना बाल्डे नहीं खेलेगा तुमको परफॉर्म करना है ठीक है डीएम अवेलेबल ही नहीं है ठीक है बरनाल इंजर्ड हो गए हैं फ्रेंकी इंजर्ड है गावी इंजर्ड है प्लेयर आपके पास अवेलेबल ही नहीं है वो कहता है भाई तुरी गर्ची और तू खेल तू परफॉर्म कर मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता ठीक है तो वो डोमिंगस को खिला रहा है ठीक है भाई मुझे कुवारसी को आज रेस्ट देना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू खेल मुझे परफॉर्मेंस चाहिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंजरीज के वो कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा बंदा वो बंदा सिर्फ ये कह रहा है कि भाई अभी ट्रेनिंग कर रहे हो ना मैंने तुमके ऊपर जरान मार्टिन को वो कह रहा है भाई मैंने तेरे पे कॉन्फिडेंस शो किया ठीक है मैंने आके तेरे पे कॉन्फिडेंस शो किया आज मैं तुझे स्टार्ट करा रहा हूं अब तू मुझे रिजल्ट निकाल के दे मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता तो उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो बंदा बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपनी फिलोसफी के साथ भाई कम से कम तीन चार ऑफ साइड गोल मारे हैं आई थिंक चार गोल मारे हैं ऑफ साइड कम से कम तीन तो मारे हैं ने कोई भी और मैनेजर होता वो कहता भाई थोड़ा सा पीछे आ जाओ इतनी हाईलाइन मेंटेन ना करो भाई हंसिफ्लिक को फर्क कोई नहीं पड़ रहा वो कह रहा भाई देखो ट्रेनिंग के अंदर हमने हाईलाइन मेंटेन किया कुछ जगहों पे ऑब्वियसली डोमिंगस खेल रहे थे वो सेम बैकलाइन नहीं खेल रही थी बाल्डे नहीं खेल रहे थे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी बट हीज लाइक भाई कोई बात नहीं ठीक है आप हाई लाइन मेंटेन करो कोई फर्क नहीं पड़ता गोल भी हो जाएंगे मेंटेलिटी ये है कि भाई हम ओवरलोड करें हम डिफेंड करेंगे ठीक है हम डिफेंड करेंगे जैसे ही बॉल जाएगी वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम हाफ में बॉल रिकवर करें नहीं होगी उन्होंने जो है वो प्रेस को बीट कर दिया वी विल कम बैक वी विल डिफेंड इन नंबर गोल हो जाता कोई मसला नहीं है बट वी विल ओवरलोड इन द ऑपोजिशन बॉक्स ठीक है वी विल डेफिनेटली आपने देखा होगा पिछले मैच के अंदर बारसा दस बंदों के साथ भी आपने देखा होगा जैसे ही रेड कार्ड हुआ था राइट साइड से कुंडे जो है वो ओवरलैप कर रहे थे और लेफ्ट साइड से बाल्डे ओवरलैप कर रहे थे तो भाई इस बंदे को फर्क कोई नहीं पड़ता और ये बंदा इतनी इंजरीज के साथ इतने यंग प्लेयर्स के साथ ये आउट ऑफ दे दिया उसने तो मैं I'm कि आप थोड़ी सी या तो क्वालिटी बादशाह में वापस आए ठीक है या फिर आप इसको थोड़ी सी ज्यादा क्वालिटी दे दो आप हंसिफ हंसिफ्लिक को मैं, मैं, मैं एक चीज सोच रहा था बैठ के कि यार आप हंसिफ हांसिफ्लिक को ना ये सिटी दे दो दे दो प्रीमियर लीग में जिस तरह की वो हाई मेटल फुटबॉल खिलाता है ना वो, वो लालिग के बहुत अच्छा खेला छोटी मैं, मैं, मैं टीम।, टीम का मतलब ये है कि वो टॉप को हटा के जो सेकंड टीयर टीम होती हैं प्रीमियर लीग के अंदर लालिगा के अंदर वो इतनी हाई मेटल फुटबॉल ना बर्दाश्त नहीं कर पाती नाइनटी मिनट्स भाई भाई गॉड यार मैं क्या बोलू भाई मुझे देखिए मुझे डर लग रहा था मैं 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 सही बात बता रहा हूं जितनी बार्सिलोना हाईलाइन खेल रही थी और जितनी रिकवरी पेस नहीं थी बारसा को बहुत से इश्यूज हो रहे थे देखिए सबसे जो पॉजिटिव रिजल्ट है ना इस मैच का कि बारसा ने 5-1 जीत लिया लेवंडोस्की ने ब्रेस मार दी लामिनिया माल ने असिस्ट दे दिया पब्लो ने असिस्ट दे दिया गोल भी मार दिया रफीनिया ने ब्रेस मार दी बारसा ने कुबारसी को दे दे दिया कसाड़ों को रेस्ट दे दिया को बाल्डे को रेस्ट दे दिया और एवेंचुअली पेड्री को भी रेस्ट दे दिया और बारसा फाइव वन जीत गई मतलब आप इमेजिन करो कि भाई इस मैच के अंदर बादशाह ये सब कुछ होने के बाद भी फाइव वन जीत गई भाई दिस मैन हंसिफ्लिक फ्लिक इज क्रेजी और भाई वो मिनट के ऊपर अगर कार्ड ना ना होता मोनोखो की गेम के अंदर तो आपको इसी तरह का कुछ रिजल्ट दिख रहा होता और वेरी मैंने आपको बताया था ना मिनट के बाद आई सो हैप्पी कि जिस तरह बार्सिलोना ने मेंटेलिटी शो की जिस तरह बार्सिलोना भागी उस मैच के अंदर जिस तरह बार्सिलोना ने डिफेंड किया इवन जिस तरह बार्सिलोना ने जो अटैक किया तो उससे दिखती है कि हंसी फ्लिक ने क्या काम किया सेम सेट ऑफ प्लेयर मोर और लेस बट आप मेंटेलिटी देखें ठीक है और इसका बहुत बड़ा रोल जो है ना वो से का सेटअप है वो दे रहा है फ्रीडम इन प्लेयर्स को वो कह रहा है पर तुमने टेंशन नहीं लेनी मैं जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना वो कह रहा है भाई कोई बात नहीं टेन टेन मैन है अटैक करो ठीक है ग्यारह बंदे तो उनके साथ तो अटैक करना ही करना है आपने तो भाई क्रेजी क्रेजी फुटबॉल आई एम सो हैप्पी के भाई छे गेम ऑन ट्रॉट वो उसको चैंपियंस लीग के 11 मिनट के रेड कार्ड को अब एक साइड पे रखें तो इवन वो सात गेम भी मैं इंक्लूड करूं। तो गेम, गेम लालीगा के अंदर बार्सिलो ने डॉमिनेट किया नाइन्टी के नाइनटी मिनट बार्सिलो ने डोमिनेट किया oh तो यार ट्रस्टन के ऊपर बात कर फाइनली आई थिंक रिडीमिंग हिमसेल्फ इन माई ओपिनियन और बड़े अच्छे उन्होंने सेव किया वन on, ने जो बॉल गिव अवे कर दिया था आई थिंक वही एक मोमेंट था जिसमें save, उससे पहले भी वो दो -तीन कर चुके थे तो ऐसा लग रहा था टर्स्टैगन वॉज देयर मतलब विदर्पज के भाई मेरे वो हुआ है सिंगल हैंडेडली मैंने मैच हलवाया तो आज मैं सिंगल हैंडेडली मैच जितवाऊंगा भी तो आपको टर्स टैगन को क्रेडिट देना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में जब तक वो थे आ, तो बारसा को उन्होंने बहुत बहुत बचाया क्योंकि बारसा की हाई लाइन स्ट्रगल कर रही थी एरीगारिया डोमेंगस इनिगो मार्टिन यहां पे रिकवरी पेस नहीं है इवन जयराड मार्टिन के पास भी वो रिकवरी पेस नहीं है जो बाल्डे के पास है तो बार्सूना स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि सिर्फ एक बंदा था कुंडे जिसके पास रिकवरी पेस थी और बहुत से प्लेयर स्पेशली पेपे बैना आयोजे पेरेस ये सारे बहुत तंग कर रहे थे विद देयर पेस अप फ्रंट तो वहां विद्यारे आपको टेस्ट करने बचाया यार बहुत अनफॉर्चुनेट है यार बहुत सीन बैड लगी आ, आ, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि देखें क्रिटिस क्रिटिसाइज मैंने भी किया उसको लेकिन बहुत से लोगों ने यह कहा कि भाई ये हो जाए उसको ये हो जाए वो हो जाए इंजरी हो जाए किसी भी मोमेंट के ऊपर आपको प्लेयर को ना इंजरी विश नहीं करनी चाहिए या फिर और भी इससे ज्यादा भी लोग चले जाते हैं इंजरी से भी ज्यादा चले जाते हैं वो मेंशन नहीं करना चाहता यार मैं सो बैड और आई डोंट नो मेरे पास इस टाइम अपडेट नहीं है कल अपडेट होगी तो मैं आपको दोबारा दे दूंगा लेकिन जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रियली होप ही रिकवर ज्यादा कुछ जीरो ना हो बट भाई वो सच अ बैड सीन और बहुत बुरा लग रहा था जिस तरह वो स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो टेस्ट जो है वो जा रहे थे तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट रिकवरी और ए नाकी पैनाकी भाई इतनी तो हार्ड गोर फुटबॉल क्योटिक फुटबॉल चल रही थी बट उन्होंने बहुत अच्छा सेव किया कोई गलती नहीं की एंड नाउ इज द टाइम फॉर इनाकी पैन एन टू स्टेप अप अगर टेगन होपफुली रिकवर्स अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इंजर्ड हो गए हैं तो इंजरी तो वर्षा की खत्म नहीं हो रही भाई इनिगो मार्टिनेस इज 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 अ लीडर भाई उस बंदे ने भाई अकेले पता नहीं मुझे याद भी नहीं मैं मैं गिन भी नहीं सकता जितने उसने उसने रिकवरी रिकवरी की है जितनी दफा उसने जितनी दफा उसने बचाया अपने टैकल से डोमिंगस थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ठीक है डिफेंसिवली ठीक है लेकिन जब बॉल जब रिकवरी करनी थी ना वहां पे वो उतना ज्यादा उनके मतलब तो यार देखें एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास टैलेंट है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है और जब उसके आपके आगे एरी खेल रहे देखें, he is good on the ball. अब लोग कहेंगे उन्होंने वो एक दिया, जब जब बॉल जारी थी ना और ऑफ द बॉल अब ऑफ द बॉल एरीगार्शिया को जो है ऑब्जर्व किया करें एरीगार्शिया ऑफ द बॉल अच्छे नहीं है उनके पास रिकवरी पेस नहीं है तो बार्सिलोना भाई मैं देखें जब कसाडो आए ना साडू आए और कुबारसी आए ठीक है स्पेशली तब आपने देखा होगा उसके बाद उससे पहले तो मतलब अटैक कर, कर रही थी uh, मेटल फुटबॉल की लेकिन डिफेंसिवली स्ट्रगल कर रही थी ना वो लाइक भाई मैं ट्विटर पर बार बार बोल रहा था भाई कुबारसी को लेके आओ कसाडू को लेके आओ बाल्डे को भी लेके आओ ठीक है क्योंकि भाई इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम मैंने लिखा ट्विटर के ऊपर और उसी के बाद वो पेपे का गोल हुआ लेकिन वो मतलब हो गया तो स्ट्रगल कर रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बट बार्सिलोना ने मतलब टीम यूनिट डिफेंड किया और, और उन्होंने तो uh, देखें जिस तरह की हाई लैंड फुटबॉल खिलाती है ना हंसिफ्लिक खिलाते हैं उसके अंदर भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कुंडे बाल्डे Uh, कुबारसी अराहो भी एवं निगो मार्टिनस क्रिस्टनसन सब जिनके पास रिकवरी पेस है ना ये बहुत बहुत जरूरी होंगे एवं बिकॉज देखें हर दफा ऐसा नहीं होगा कि ऑफ साइड होगी हर दफा ऐसा नहीं होगा कि टीम ऐसी होगी जो कि कन्वर्ट नहीं करेगी चांसेस आपने रियल रियालमेडेट के अगेंस्ट भी खेलना आपको हो सकता है सिटी आपने बाइन के अगेंस्ट भी खेलना है तो ज्यादा क्वालिटी होगी उनके पास तो खैर वो तो हम तब बात करेंगे लेकिन रिकवरी पेस बहुत ज्यादा जरूरी है

वेरी कंफर्टेबल वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल। तो कसाडो जब आए तो बहुत बहुत अच्छे दिखे बाकी भाई लमीन द यमाल ने जो वो असिस्ट कर दिया भाई ओ माई गॉड भाई वो कैसे उसने आउट फुटर के यार क्या है यार ये बंदा भाई कितने चार गोल हो चुके हैं पांच असिस्ट हो चुके हैं पांच गोल रफीनिया के हो चुके हैं बाय द वे व्हाट अ फिनिश फ्रॉम रफीनिया वो जो उसने माल का असिस्ट था आई थिंक पांच गोल और तीन असिस्ट हो चुके हैं छह गोल लेमन के हो चुके हैं लेमन ने पेनल्टी मिस की बट भाई दो बहुत अच्छे फिनिशेस यहाँ पे लेमनडॉस्की के पब्लो टोरे का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा असिस्ट थोड़ा सा लकी रहे शूट बट ही वॉज ब्रेव अनफ टू शूट और वो गोल बड़ा इंपॉर्टेंट था जो बब्लू टोरे ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्कोर किया अगर लेवनडॉस वहां पे गोल स्कोर करते थे तो मैच खत्म हो जाता इतना था ट्रिकी नहीं रहता लेकिन इवेंचुअली एंड पे भी नहीं ट्रिकी रहा लेकिन थ्री टू द वे हो गया था वो ऑफ साइड तो फ्रॉम की होल्ड अप प्ले लिंक अप प्ले लिंकअप मैं मैंने आपको पिछले गेम में कहा था रेड कार्ड हो गया था हम काउंटर पे हिट कर रहे थे काउंटर पे लमीनियम माली हैं ठीक है लेकिन जब आपका कंट्रोल है ना एंड यू आर क्लोज टू द बॉक्स एंड व्हेन रफिनिया इज क्लोज टू द बॉक्स और आप वहां पे उनको सर्विस प्रोवाइड करें जब लेमोंडोसकी इनसाइड द बॉक्स आप उनको सर्विस प्रोवाइड करें तो भाई ये टीम जो है वो डेंजरस है रफिनिया भी डेंजरस है क्लोज टू द बॉक्स लेमोंडोसकी तो बहुत ही डेंजरस है इनसाइड द बॉक्स भाई ब्रिलियंट सो फार देखिए इससे अच्छी न्यूज बारसा के नहीं हो सकती बारसा के तीन फॉरवर्ड स्कोर कर रहे हैं डेनियोलमो थे वो स्कोर कर रहे थे पब्लो टोरे आए वो स्कोर कर रहे हैं पेड्री ने गोल स्कोर किया जो भी आपके अटैकिंग प्लेयर्स हैं वो गोल स्कोर कर रहे हैं और आपके जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं वो भाई आपके गोल बचा रहे हैं लास्ट डिज क्लियरेंसेज पोजिशनिंग सब कुछ है रिकवरी पे से आपके गोल बचा रहे हैं वी आर अटैकिंग इन नंबर्स दो बातें हैं सिर्फ वी आर अटैकिंग इन नंबर वी आर डिफेंडिंग इन नंबर

जैसे ये क्वालिटी और आएगी आप इमेजिन करें ये रिजल्ट्स निकाल रहे हैं हांसिफ्लिक इन प्लेयर्स के साथ इन यंग प्लेयर्स के साथ ठीक है इमेजिन ऑल प्लेयर्स आर बैक एंड आई थिंक विल एट लीस्ट कुक इन मैं दिन ब दिन कॉन्फिडेंट ठीक है छह गेम हो चुकी है और ये काफी ज्यादा हमारे पास डाटा है कि छे गेम के अंदर बारसा ने कंसिस्टेंट फुटबॉल खेली है तो बार्सिलोना लालीगा जीत सकती है आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव बार्सिलोना जो है वो लालीगा जीत सकती है भाई ब्रिलियंट भाई ब्रिलियंट ब्रिलियंट फ्रॉम बार्सिलोना, ऑल क्रेडिट ऑल क्रेडिट गोज टू हांसि फ्लेग क्या बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिल रही है देखें आपका दिल जो है वो आपके हाथ में होता है जब बादशाह डिफेंड कर रही होती है जब हाई लाइन खेल रही होती है और दिस इज दिस इज हंसि फ्लेग अगर आपने उनको बायन में देखा हो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिस्क था अगर वो ऑफ साइड मार्जिन नहीं होते तो हो सकता है कि बादशाह ड्रॉ कर जाती हो सकता है बादशाह हार भी जाती बट यू हैव टू बी ब्रेव अगर आप मोस्टली ब्रेव होंगे ना तो मोस्टली रिजल्ट जो है ना 90 परसेंट रिजल्ट आपकी फेवर में आएंगे और अगर लालीगा में स्पेशली नॉकआउट्स में डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है ठीक है चैंपियंस लीग की मैं बात नहीं कर रहा लेकिन ला, लालीगा के अंदर अगर आपने 90 परसेंट गेम्स के अंदर स्ट्रेटेजी के साथ नाइन्टी परसेंट गेम्स जीत लिए तो आप लालीगा जीत गए एज सिंपल एज दैट तो भाई बार्सिलोना ने बहुत इंपॉर्टेंट गेम जीत लिया हैं ठीक है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आई वुड वु जिरोना हम बात नहीं करते बट बारसा ने रायो अवे जीत लिया है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है जिरोना अवे जीत लिया वेलेंशिया जीत लिया विला, रियाल जीत लिया और विटिक क्लब होम पे जीत लिया अब पकड़ना है सिर्फ एथलेटिक्ल एथलेटिको मेड्रेड को और आपने पकड़ना है रियाल मेडिड को लालिगा के अंदर और लालिगा आपकी है बाइ ब्रिलियंट मैड फुटबॉल फ्रॉम आंसि अपना ओपिनियन देगा कमेंट सेक्शन लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में